नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर और मैं हूं आपका दोस्त मनीष शर्मा। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी को दे देना चाहता हूं। वीडियो में दिखाई गई सामग्री हमने इंटरनेट से एवं जावरा नगर पर लिखे गए लेखों के आधार पर प्राप्त की है। इसमें कोई त्रुटि या गलती हो तो उसके लिए हमें पहले ही क्षमा कर दीजिएगा। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति, समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा मकसद किसी की धार्मिक, आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है और न ही हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा मकसद केवल इस नगर की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाना है। इस वीडियो को केवल जानकारी की दृष्टि से ही लें, अन्यथा न लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपको जिस नगर के इतिहास से अवगत कराने जा रहे हैं वो नगर सद्भावना, प्रेम और सर्वधर्म संभाव की मिसाल पेश करता हुआ प्रतीत होता है। ये नगर मौजूद है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। इस नगर का नाम है जावरा। तो दोस्तों, अब आगे हम जानेंगे जावरा नगर के इतिहास के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा मकसद ऐसे ही छोटे छोटे शहरों में मौजूद ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास को एवं उस नगर की विशेषताओं को जनता तक पहुंचाना है और इस मुहिम में आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ और जानते हैं जावरा नगर के बारे में और जावरा नगर के इतिहास के बारे में। जावरा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की एक तहसील है। जावरा शहर में एक क्लास की मंडी है जहां दूर दूर से किसान उपज लेकर आते हैं। मंदसौर की तरह यह मंडी भी लहसुन के लिए प्रसिद्ध है। जावरा शहर में अजमेर शरीफ की तरह जावरा शरीफ है जहाँ दूर दूर से जायरीन आते हैं। जावरा शरीफ में सभी धर्म के लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं और अपनी मुरादों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जावरा नगर के इतिहास की। जावरा नगर के इतिहास के ऊपर हम रोशनी डालें तो हम पाते हैं जावरा राज्य की स्थापना अफगान पश्तून वंश के अब्दुल्ला गफूर खान द्वारा सन 1808 में की गई थी। सन 1818 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जावरा राज्य की पुष्टि कर दी गई। इस नगर का इतिहास समृद्धशाली, विशाल और सर्वधर्म संभाव की मिसाल पेश करता हुआ प्रतीत होता है। सन 1818 से सन 1948 तक विभिन्न नवाबों ने इस रियासत को संभाला। नवाब इफ्तिखार अली खान से लेकर नवाब उस्मान अली खान तक ऐसे कई नवाब हुए जिन्होंने इस रियासत पर शासन किया। सन 1818 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मंदसौर की एक संधि की गई जिसके द्वारा जावरा को एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर स्टेट, उसका संबंध भी जावरा रियासत से रहा था। चूंकि इंदौर की होलकर स्टेट ने मंदसौर नीमच जिले में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसलिए जावरा भी उस स्टेट से अछूता नहीं रहा और जावरा रियासत भी इंदौर होलकर स्टेट के संपर्क में आई। सन 1818 में जो जावरा रियासत बनी थी वो जावरा रियासत एक बड़ी विशाल रियासत हुआ करती थी, लेकिन सन 1924 में जावरा रियासत की एक तहसील पिपलोदा इससे अलग हो गई और उसे अलग राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और ऐसे ही सन 1942 में पंत पिपलोदा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया गया। सन 1947-48 में जावरा रियासत पर नवाब मोहम्मद उस्मान अली खान ने शासन किया। सन 1948 में जावरा वर्तमान भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। तो दोस्तों, अब आपको प्रदान करते हैं सन 1818 में बनी जावरा रियासत की जानकारी। इस रियासत का संपूर्ण क्षेत्र
पिपलोदा और पंत पिपलोदा को मिलाकर 1471 वर्ग किलोमीटर था। यह 4 तहसीलों में विभक्त था, जावरा, ताल, बारोदा और बरखेड़ा। बाद में पंत पिपलोदा और पिपलोदा इससे अलग हुई, यह हम आपको पहले बता ही चुके हैं। जब इस पूरे क्षेत्र में रेलवे मार्ग की योजना बनाई जा रही थी, तब अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि जावरा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण रियासत है। जावरा से होकर गुजरने वाला रेलमार्ग अंग्रेज अधिकारियों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। वे इस नगर से होकर गुजरने वाले रेलमार्ग में अपने सैनिकों का आदान प्रदान तथा व्यापार व्यवसाय का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर करने लगे। चूंकि नीमच छावनी इस नगर के करीब हुआ करती थी, इसलिए उन्हें इस कार्य को करने में कोई समस्या नहीं हुई और उन्होंने इस नगर की महत्वता को न सिर्फ समझा बल्कि उपयोग किया। तो दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं जावरा नगर में मौजूद जावरा शरीफ के इतिहास के बारे में। ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह सभी धर्मों के लिए आस्था का अटूट केंद्र है और इस दरगाह पर सभी धर्म के लोग सजदे से अपना सिर झुकाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और निश्चित तौर पर उनकी सभी मुरादें इस दरगाह से पूर्ण होती है। इस पावन दरगाह पर आज भी कई चमत्कार होते हुए प्रतीत होते हैं और इस दरगाह की स्थापना भी एक चमत्कार के कारण ही हुई थी। इस दरगाह की स्थापना सन 1882 में जावरा रियासत के तात्कालिक नवाब इफ्तिखार अली खान द्वारा करवाई गई। जावरा रियासत में यहाँ के नवाब द्वारा नदी के किनारे पर बनवाया गया शिव मंदिर दर्शनीय है तथा दूसरे किनारे पर बनवाई गई विशाल मस्जिद दर्शनीय है। यहाँ की डोल ग्यारस की झांकियाँ मालवा में प्रसिद्ध है। शहर के चारों तरफ विशाल परकोटा था जिसमें 6 दरवाजे थे। इन ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा भी इस नगर में इतिहास की कई इमारतें देखने लायक है। उन ऐतिहासिक इमारतों को देखने से प्रतीत होता है कि जावरा रियासत कितनी समृद्धशाली रही होगी। उन इमारतों को छूने से प्रतीत होता है कि मानो आप जावरा नगर के इतिहास के उस दौर में पहुंच गए हों जिस दौर में यह नगर एक विशाल और समृद्धशाली राज्य हुआ करता था। 1857 से सन 1947 तक देश में हुई अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में इस रियासत के लोगों ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अपने शौर्यता, त्याग और बलिदान से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस रियासत के लोगों का और इस रियासत का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश के जावरा नगर का इतिहास। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर कोई गलती रह गई हो तो एक और बार आपसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही छोटे छोटे शहरों के इतिहास से आपका आगे भी परिचय कराते रहेंगे। जय हिंद, जय जावरा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद।